क्या आपने सोचा है कि एक सुबह ऐसी हो जब पूरी दुनिया के लोग सोकर उठे तो एक दूसरे को मारने लगे? क्या इसी तरह सभी इंसानों का अंत हो जाएगा? आज की इस मूवी में हम यही सब देखने वाले हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम जिल नाम की एक औरत को देखते हैं। जिल आर्मी हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड का काम करती है और वो कभी कभार हॉस्पिटल से ड्रग्स चुरा कर उसे ब्लैक में बेच देती है और वो खुद पास्ट में एक ड्रग्स एडिक्ट रह चुकी है और इसी कारण से उसके दोनों बच्चे उसकी माँ के पास रहते हैं और जिल एक सिंगल मदर है और उसके दो बच्चे नोहा और मटिल्डा हैं। जिल अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद उन लोगों को घुमाने के लिए ले जा रही थी, लेकिन जिल को पता नहीं था कि आज के बाद सब कुछ बदल जाने वाला है। ड्राइविंग करते हुए उसकी गाड़ी अचानक से बंद हो जाती है और इस तरह की घटना एक साथ पूरी दुनिया में होती है और तभी एक गाड़ी आती है जो जिल की गाड़ी से टकरा जाती है और ये सभी लोग पास की एक लेक में गिर जाते हैं। जिल जल्दी से नोहा के साथ उस लेक से बाहर आ जाती है, लेकिन मटिल्डा डूबने की वजह से बेहोश हो गई थी, मगर वहाँ पर खड़े कुछ पुलिस वाले उसे बचा लेते हैं और वो पुलिस वाले ही मटिल्डा को बताते हैं कि पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली सभी चीजें बंद पड़ गई हैं। लेकिन जिल उस पुलिस वाले की बातों पर ध्यान नहीं देती और वो मटिल्डा को लेकर एक पास के ही हॉस्पिटल में पहुँच जाती है और वो हॉस्पिटल पहुँच कर देखती है कि कोमा के सभी मरीज अचानक से होश में आ गए हैं और ये देख कर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। आखिरकार इतने सारे लोग अचानक से एक साथ कोमा से बाहर कैसे आ गए? लेकिन जिल इस पर भी कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देती और वो मटिल्डा की दवाई लेने के बाद फिर से अपने घर वापस आ जाती है। जब रात हो जाती है तो वो लोग देखते हैं कि जो सैटेलाइट स्पेस में घूम रही थी वो भी बंद पड़ गई है और ये काफी अजीब बात थी। पूरी दुनिया में किसी को भी नहीं पता है कि ये हो क्या रहा है और साथ ही अब दूसरी तरफ पूरी दुनिया में कोई भी इंसान सो नहीं पा रहा था। चाहे वो सोने की कितनी भी कोशिश कर ले, उसे नींद ही नहीं आ रही थी। अब अगली रात जिल अपने काम के लिए निकलती है और जब वो अपने आसपास देखती है तो सभी इंसान जग रहे थे। इसके बाद जिल जब अपने हॉस्पिटल में पहुंच जाती है तो वो डॉक्टर मर्फी से मिलती है। डॉक्टर मर्फी दुनिया में हो रही अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में समझाने लगती है। वो उन्हें बताती है कि अब पूरी दुनिया में कोई भी इंसान सो नहीं पा रहा है और अब इस पूरी दुनिया में बेहोशी जैसी कोई चीज है ही नहीं और इंसान सिर्फ अब डायरेक्ट मर सकता है पर वो सो नहीं सकता। और जैसा कि सभी जानते हैं कि इंसानी शरीर के लिए नींद बहुत ज्यादा जरूरी है और अगर इंसान सोएगा नहीं तो वो अपना दिमागी संतुलन खो देगा। और तभी वो बताती है कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही औरत बची है जो कि सो पा रही है और डॉक्टर उस पे रिसर्च करके ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पूरी दुनिया में अकेली कैसे सो पा रही है और उसे काफी सिक्योरिटी में यहाँ से दूर एक आर्मी बेस में रखा गया है। अब जिल ये सुनते ही डर जाती है क्योंकि उसने अभी तक किसी से भी ये नहीं बताया था कि उसकी बेटी मटिल्डा भी सो सकती है और अगर इन लोगों को ये पता चल गया तो वो उसकी बेटी को भी एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाएंगे। और इसीलिए जिल अब जल्दी से घर वापस पहुंच जाती है और वो देखती है कि मटिल्डा घर पे नहीं है और वो अपनी नानी के साथ चर्च में गई है। चर्च में मौजूद सभी लोगों को पता चल जाता है कि मटिल्डा सो सकती है और तभी कुछ लोग कहते हैं कि मटिल्डा गॉड की देन है और हमें गॉड के लिए मटिल्डा की कुर्बानी देनी होगी। और इसी बीच वहाँ पर जिल और नोवा पहुँच जाते हैं। जिल मटिल्डा को वहाँ से लेकर जाने लगती है लेकिन वो लोग उन्हें जाने नहीं देते क्योंकि उन सभी को लग रहा था कि अगर वो मटिल्डा की कुर्बानी दे देंगे तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और सब इंसान फिर से सो पाएंगे। और तभी एक पुलिस वाला वॉयलेंट होकर सभी लोगों को जान से मारने लगता है क्योंकि कई दिनों से ना सोने की वजह से सभी के दिमाग का संतुलन खराब होने लगा था। अब जिल समझ जाती है कि ना सोने की वजह से ये सभी लोग परेशान हैं और इसीलिए ये लोग इसकी बेटी के पीछे पड़े हैं। जिल अपने दोनों बच्चों को वहाँ से लेकर भागने लगती है और फिर ये एक कार के गैराज तक पहुँच जाते हैं और जिल वहाँ से एक कार चुराती है। अब जैसे ही रात होती है तो मटिल्डा कार के अंदर ही सो जाती है। नोहा जिल से कहता है कि हमें मटिल्डा को लोगों से बचाने के लिए उसे आर्मी बेस ले जाना चाहिए, माना कि वो लोग मटिल्डा पर एक्सपेरिमेंट करेंगे पर वो वहाँ पर सुरक्षित रहेंगे। जिल नोहा की बात से सहमत हो जाती है। आर्मी बेस इन लोगों से काफी दूर था तो ये आराम करने के लिए एक लाइब्रेरी में रुक जाते हैं और दूसरी तरफ लोग ना सोने की वजह से वॉयलेंट होकर एक दूसरे को मारने लगे थे। लाइब्रेरी में जिल मटिल्डा को अपनी सिक्योरिटी के लिए गन चलाना सिखाती है, मगर अब प्रॉब्लम ये थी कि किस रास्ते से आर्मी बेस तक जाएं क्योंकि इंसान ना सोने की वजह से एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। तभी नोहा को वहां पर शहर के रास्तों का मैप मिल जाता है। नोहा उस मैप में आर्मी बेस तक सुरक्षित पहुंचने का रास्ता देखता है। फिर ये लोग जब लाइब्रेरी से बाहर आते हैं तो कोई इनकी गाड़ी को चुरा
लगाकर ले जाता है और गाड़ी के अंदर पिछली सीट पर मटिल्डा सो रही थी। जिलो नोवा पैदल भागते हुए उस गाड़ी का पीछा करते हैं और ये लोग भागते हुए क्रिमिनल्स के बीच में पहुंच जाते हैं। ये क्रिमिनल जेल तोड़ के वहां से भाग आए थे क्योंकि ना सोने की वजह से ये लोग वायलेंट हो गए हैं। और तभी अचानक से वो आदमी वहां पर आ जाता है जिसने जिल की गाड़ी को चुराया था। वो जल्दी से जिल और नोहा को गाड़ी में बिठाकर वहां से निकल जाता है। दरअसल ये भी एक क्रिमिनल है और इसका नाम डोज है। डोज जिल से कहता है कि वो उसे उसके बच्चों के साथ आर्मी बेस तक पहुंचा देगा। फिर जिल मटिल्डा को ड्राइविंग सिखाने लगती है। जिल मटिल्डा को ड्राइविंग इसलिए सिखा रही थी क्योंकि ये लोग कई दिनों से लगातार जगे हुए हैं और इसीलिए इनका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है। और तभी रास्ते में कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं। ये लोग जैसे तैसे करके उन लोगों से अपनी जान बचा लेते हैं। फिर ये सभी आर्मी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। डोज जिल और उसके दोनों बच्चों को आर्मी हॉस्पिटल के बाहर छोड़कर कार लेके वहां से निकल जाता है। जिल अपने दोनों बच्चों को हॉस्पिटल के बाहर खड़ा कर देती है और वो अकेले ही अंदर चली जाती है। जिल अंदर जाकर देखती है कि डॉक्टर उस बूढ़ी औरत पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लेकिन इन लोगों को इस बीमारी का इलाज नहीं मिला है। जिल उस बूढ़ी औरत से बात करती है और उसे बताती है कि उसी की तरह उसकी बेटी भी सो सकती है और अगर इस ना सोने वाली बीमारी की वजह से सभी लोग मर जाएं तो उसे उसकी बेटी का ख्याल रखना होगा। और तभी वहां पर डॉक्टर मर्फी आ जाती है और डॉक्टर मर्फी इन लोगों को बताती है कि अब तक 6 दिन बीत चुके हैं और इंसानों के दिमाग का वो हिस्सा जो कि उन्हें सुलाता था अब वो काम नहीं कर रहा और डॉक्टर चाहकर भी अब कुछ नहीं कर सकते। पर जिल ने अभी तक किसी से भी अपनी बेटी के बारे में नहीं बताया था। दूसरी तरफ बाहर आर्मी वालों ने मटिल्डा और नोहा को पकड़ लिया था। अब मजबूर होकर जिल को आर्मी वालों से बताना पड़ता है कि उसकी बेटी मटिल्डा भी सो सकती है। फिर डॉक्टर मटिल्डा पे भी रिसर्च करने लगते हैं कि वो कैसे सो पाती है। तभी वो देखती है कि डॉक्टर जानवरों पे भी रिसर्च कर रहे हैं। वो जानवरों को बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में ड्रग्स देते हैं लेकिन फिर भी वो सो नहीं रहे थे। इधर जिल और नोहा को आर्मी वालों ने एक कमरे में बंद कर दिया था ताकि वो लोग उनकी रिसर्च के बीच में ना आ सके। इधर काफी दिनों से ना सोने की वजह से अब सभी की हालत खराब होने लगी थी। फिर डॉक्टर मर्फी जिल के पास आती है। वो उससे पूछती है कि उसकी बेटी कैसे सो पा रही है और जिल कहती है कि उसे नहीं पता और वो उसकी बेटी के साथ कोई भी गलत एक्सपेरिमेंट ना करें। फिर डॉक्टर कहती है कि इंसानों के भविष्य के लिए मटिल्डा पे रिसर्च करना ही एकमात्र रास्ता है। दरअसल पृथ्वी से एक बहुत बड़ी सोलर फ्लेयर टकराई थी और इसी कारण से सभी एनर्जी सोर्स बंद पड़ गए हैं और इसी के साथ ही इंसानों के सोने की एबिलिटी भी चली गई। वहीं दूसरी तरफ वो बूढ़ी औरत अपनी बीमारी की वजह से मर जाती है। इधर अब लोगों को अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देने लगी थी क्योंकि ये लोग काफी दिनों से सोए नहीं थे और इसी कारण से इन्हें हेलुसिनेशंस होने लगे थे। अब डॉक्टर जल्द से जल्द इस बीमारी का इलाज ढूंढना चाहते थे तो वो नोहा पर भी एक्सपेरिमेंट शुरू कर देते हैं। डॉक्टर ये जानना चाहते थे कि मटिल्डा सो सकती है तो उसका भाई नोहा क्यों नहीं सो पा रहा। इधर आर्मी सोल्जर नींद ना आने की वजह से पागल हो गए थे और वो एक दूसरे का खून बहाने लगे थे। इसीलिए जिल अपनी बेटी को बचाने के लिए वहां से बाहर निकलने लगती है। अब नोहा भी नींद ना आने की वजह से पागल होने लगा था और इसी कारण से वो गलती से अपने आप को करंट लगा लेता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। पर जिल को लगता है कि नोहा मर गया है मगर जब सुबह होती है तो नोहा उठ जाता है जैसे कि वो सोकर उठा हो। इसका मतलब ये था कि अब नोहा को भी नींद आने लगी है। अब मटिल्डा सब कुछ समझ जाती है और वो बताती है कि वो खुद इसीलिए सो पा रही थी कि जब वो सोलर फ्लेयर पृथ्वी से टकराई थी तो वो उस वक्त डूब रही थी और इसी वजह से उसका दिमाग पूरी तरीके से जिंदा नहीं था और ना ही वो मरी थी और इसी वजह से उसे नॉर्मल नींद आती रही। और जब रात को नोहा को करंट लगा था तो वो भी उसी स्टेज में पहुंच गया था और इसी वजह से अब वो भी सो पा रहा था। यानी कि गलती से इन लोगों ने इस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया था। अब ये दोनों बच्चे अपनी माँ को बचाने के लिए ऐसा ही करते हैं और वो जानबूझकर अपनी माँ को पानी में डुबाने लगते हैं और ठीक उसी वक्त जब वो मरने वाली होती है तो उसे पानी से बाहर निकाल लेते हैं। फिर कुछ देर बाद उसे होश आ जाता है और आखिरकार अब ये तीनों एक साथ रह सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन के लिए। और कमेंट करके हमें ये जरूर बताना कि ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं फिर से एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।